किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको कपास की नरमा किस्में और जो संकर किस्में उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली किस्म है H1098, ये संशोधित किस्म है। यह किस्म पुरानी प्रचलित किस्म H1098 का संशोधित रूपांतरण है। नई किस्म H1098 संशोधित पुरानी किस्म के सभी गुणों के साथ साथ पत्ता मरोड़ रोग से कम प्रभावित होती है। इसके टिंडे बड़े होते हैं व रेशे की मात्रा अधिक है। दूसरी किस्म है H1117। ये नरमा कपास समस्त हरियाणा में अगेती बिजाई के लिए सिफारिश की गई है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर और 4 से 6 वनस्पतिक शाखाएं इसमें होती हैं। फूल व पराग कण क्रीम रंग के होते हैं। पत्ता मरोड़ रोग का प्रकोप इसमें कम होता है। इसकी जो औसत पैदावार है वो 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा अधिकतम पैदावार 3700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसमें रुई की मात्रा 35.5% और रेशे की लंबाई 24.1 मिलीमीटर होती है। इसके पत्ते छोटे और टिंडे मध्यम आकार के होते हैं। तीसरी किस्म है H1226। ये हरियाणा में आम काश्त के लिए अनुमोदित तथा पत्ता मरोड़ रोग के प्रति जो है सहनशील है। यह किस्म लगभग 165 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें हरे तेल का प्रकोप भी कम पाया जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई जो है वो 150 से 160 सेंटीमीटर वे 2-3 वानस्पतिक शाखाएं इसमें होती हैं। फूल की पंखुड़ियां ऊपर से कम पीली और नीचे की ओर ज़्यादा पीली रहती हैं। इसके पराग कण और पुंकेसर क्रीम रंग के होते हैं। इसकी औसत पैदावार 2290 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अधिकतम पैदावार जो है 4280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलती है। इसके रेशे की लंबाई 24.5 मिलीमीटर और रुई की मात्रा इसमें 33.7% रहती है। एक और किस्म है H1236। ये किस्म रेशे की गुणवत्ता के लिए 2010 में उत्तर भारत के लिए अनुमोदित की गई थी। इस किस्म के फूल पीले रंग के, पराग कण जो क्रीम रंग के होते हैं। इस किस्म के पौधों में 1 से 3 वनस्पतिक शाखाएं होती हैं और पौधे मध्यम ऊंचाई के लगभग 130 से 150 सेंटीमीटर के होते हैं। इस किस्म की अंतिम चुनाई मध्य नवंबर तक पूरी हो जाती है, इसलिए यह किस्म कपास गेहूं व कपास राया फसल चक्र के लिए उपयुक्त रहती है। इस किस्म की औसत पैदावार 1985 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अधिकतम पैदावार है वो 2850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलती है। इस किस्म के रेशे की गुणवत्ता भी ज़्यादा है। इसके रेशे की लंबाई 27.2 मिलीमीटर और रुई की मात्रा इस किस्म में 35% रहती है। एक और है H1300। ये किस्म 2012 में उत्तर भारत के लिए सिफारिश की गई। यह 165 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म के फूल जो है वो क्रीम रंग के होते हैं। इसकी औसत पैदावार 2291 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अधिकतम पैदावार 3485 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलती है। इसके रेशे की लंबाई भी 25 मिलीमीटर और रुई की मात्रा इस किस्म की 36.3% रहती है। हाँ, एक और अमेरिकन संकर है HXX223। तो अमेरिकन कपास की संकर किस्म की बिजाई 15 अप्रैल से 20 मई तक की जा सकती है। पौधे की ऊंचाई 150-160 सेंटीमीटर तथा 2 से 4 वनस्पतिक शाखाएं इसके पौधों में होती हैं। इस किस्म के पत्ते हरे, फूल व पराग कण क्रीम रंग के होते हैं। इसमें पत्ता मरोड़ रोग का प्रकोप कम आता है तथा रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप भी इसमें कम रहता है। ये किस्म 175 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी औसत पैदावार 2123 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अधिकतम पैदावार 3950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। रेशे की लंबाई 22.5 मिलीमीटर और रुई की प्रतिशतता जो है इस किस्म में वो 35.2% है। एक और संकर किस्म है HXX287। नरमा की ये नरबंधीय संकर किस्म है।
यह किस्म लगभग 170 दिन में पककर तैयार होती है। इसमें वनस्पति शाखाएं जो हैं वो 103 तक होती हैं। इस संकर किस्म का बीज किसान अपने खेत में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी पंखुड़ियां और पराग कण क्रीम रंग के होते हैं। इस संकर किस्म की औसत पैदावार 2150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अधिकतम पैदावार 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म पत्ता मरोड़ रोग से कम ग्रसित होती है। तो किसान भाइयों, ये थी अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में और संकर किस्में। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का आप अपनी खेती में फायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।